आज ये कल्पना करना भले ही मुश्किल है, लेकिन बिहार में पटना से लगभग 85 किलोमीटर दूर ये शानदार खंडहर प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक नालंदा के अवशेष हैं। इस परिसर में कई भवन, पुस्तकालय, रहने के लिए मकान और पूजा स्थल हुआ करते थे। यहाँ हमेशा गहमा गहमी रहती थी। नालंदा 5वीं और 12वीं शताब्दी के बीच करीब 700 साल तक शिक्षा और दर्शन शास्त्र का केंद्र था। दिलचस्प बात यह है कि नालंदा से लगभग 245 किलोमीटर दूर बिहार के भागलपुर जिले में भी एक जगह है जहां आपको नालंदा की तरह ही एक और बड़े शिक्षा के केंद्र के अवशेष मिलेंगे। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर। नालंदा से लगभग 300 साल बाद यानी 18वीं शताब्दी में विक्रमशिला शिक्षा संस्थान बना था, जहां दुनिया भर से विद्वान आया करते थे। नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही अपने बेहतरीन शिक्षा के लिए जाने जाते थे। यहां दाखिला इतना आसान भी नहीं होता था। इस क्षेत्र को आज हम आधुनिक बिहार के रूप में जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस क्षेत्र ने दो सबसे सफल प्राचीन विश्वविद्यालयों के विकास को कैसे और क्यों बढ़ावा दिया। नालंदा जहां महत्वपूर्ण शहर राजगृह से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जो कभी मगध राज्य की राजधानी थी, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था। नालंदा और विक्रमशिला के इतिहास को समझने के लिए बिहार के शुरुआती इतिहास को समझना जरूरी है। साथ ही इतिहास में बुद्ध के युग और 600 और 300 ईसा पूर्व में महान महाजनपदों के समय को भी जानना महत्वपूर्ण है। हमने बिहार में भागलपुर के लेखक और इतिहासकार शिव शंकर पारिजात से बात की, जिन्होंने इन दो विश्वविद्यालयों के इतिहास के बारे में हमें बताया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है, और गौतम बुद्ध का बिहार के साथ, मगध साम्राज्य के साथ, इसकी राजधानी राजगृह यहाँ के नालंदा और गया के साथ बहुत ही नजदीकी रहा है। गौतम बुद्ध ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की तो वो बिहार में ही, गया में उन्होंने इसकी प्राप्ति की, जो आज बोधगया कहलाता है। और उनके जो महत्वपूर्ण प्रवचन हुए वो राजगृह के क्षेत्र में हुए। राजगृह क्षेत्र उनका पसंदीदा क्षेत्र था और उन्होंने वहां कई वर्षा वास बिताए थे। नालंदा के साथ विक्रमशिला बौद्ध महाविहार भी बौद्ध धर्म के का जो लेटर जो काल था, उसका जो समझे कि अंतिम जो क्षेत्र था, माने उसका कार्यकाल था, उसमें विक्रमशिला बौद्ध महाविहार एक बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय रहा। तो गौतम बुद्ध यहाँ आए हैं, दो तीन बार यहाँ आए हैं, और विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के पास एक ऐसा स्थल भी है जिसकी चर्चा कनिंघम ने भी की है, वो बुद्धासन के नाम से, कि वहां बुद्ध आसन लगाए थे। और आज भी वहां एक ऐसा जगह है, एक झील है जो अभी सूख गया है, वो बुद्धासन झील कहलाता है। और विक्रमशिला की जो स्थापना हुई वो पाल वंश के काल में हुई, और पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे। तो बिहार में खासकर नालंदा और विक्रमशिला की बात की जाए तो इसका एक बड़ा ही सुदृढ़ इसकी पृष्ठभूमि रही है, बौद्ध धर्म के उद्गम के साथ, इसके विकास के साथ। और जहां तक बिहार के इतिहास की प्राचीनता की बात है तो पुराने ग्रंथों में और आदिकाल से बिहार की चर्चा रही है। महाभारत काल में जो 16 चक्रवर्ती राजाओं की जो चर्चा की जाती है तो उसमें जरासंध और गया तीर्थ ये दोनों बिहार के क्षेत्र से संबंधित थे। और रामायण काल की बात करें हम
तो यहाँ का जो विदेह जो प्राचीन काल में एक विदेह राज्य था, जहाँ के राजा जनक थे और जिनकी पुत्री सीता थी, तो इस तरह से महाभारत काल की बात की जाए, रामायण काल की बात की जाए, तो इसका इतिहास हमेशा जो है प्रमुख रहा है। इसके अलावे ऐतिहासिक काल में ये प्रतापी राजाओं की भूमि रही है और जिसकी शुरुआत शिशुनाग वंश से होती है। शिशुनाग वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु का नाम आता है, जो इतिहास के महत्वपूर्ण माने व्यक्तित्व में जिनकी गिनती होती है। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, जो उदय हुआ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ और उनके पुत्र बिंदुसार ने और बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो सम्राट अशोक कहला है, और जिन्होंने साम्राज्य विस्तार का की जो अवधारणा है तो साम्राज्य को एक जो ऊंचाई दी और जो साम्राज्य पूरे भारत का जो है या विश्व का जो है ये पहला ये साम्राज्य वो मगध साम्राज्य माना जाता है। और उसके कारण भी बहुत सारे थे। गंगा के तट पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र अवस्थित थी और उन दिनों आवागमन का और विस्तार का जो माध्यम था वो गंगा का मार्ग था। और पाटलिपुत्र की स्थिति ऐसी थी कि नौश से ताम्रलिप्ति तक जाने का वो मार्ग था, तो इसलिए जब साम्राज्य विस्तार की बात हुई तो वो मार्ग जो है एक बहुत बड़ा माध्यम बना। उसी क्रम में मौर्य वंश के राजाओं ने अंग राज्य पर जो है उनको अपने अधीन में लिया और इसके बाद जो है वो पूर्व की ओर बढ़े। तो इस तरह साम्राज्य के विस्तार में भी और साम्राज्य की स्थापना में ये बिहार का बहुत बड़ा बहुत बड़ी भूमिका रही। नालंदा और विक्रमशिला दोनों को शाही सरपरस्ती मिलती थी। नालंदा में मिले सबूतों के अनुसार विश्वविद्यालय के इतिहास के तार 5वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी का है। चीनी यात्री ह्वेनसांग का मानना था कि नालंदा संस्थान की स्थापना शक्रादित्य ने की थी। इतिहासकार फादर हेनरी हेरास के अनुसार शक्रादित्य कोई और नहीं बल्कि 5वीं शताब्दी के गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ही थे। बाद में बंगाल के पाल राजवंश के संरक्षण में परिवर्तन की एक लहर देखी गई, जिसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी के मध्य से हुई थी। 9वीं शताब्दी के पाल राजा धर्मपाल नालंदा के सबसे प्रतिष्ठित सरपरस्तों में से एक थे। पाल राजवंश भवन निर्माण के लिए जाना जाता था। उन्होंने नालंदा की तर्ज पर 4 और विश्वविद्यालय कायम किए थे। इनमें से एक विक्रमशिला था और आधुनिक बांग्लादेश में जगदल और सोमपुरा तथा बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय थे। बुद्ध के काल से नालंदा एक महत्वपूर्ण स्थान था और नालंदा की चर्चा उनके समय से थे और बुद्ध के काल में ये उस उत्कर्ष पर आया जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और अशोक का पेट्रोनेज मिला और पूरे भारत में जो इसकी ख्याति फैली। तो इस तरह से एक जो बौद्ध केंद्र के रूप में, चाहे धर्म के प्रसार का हो या शिक्षा के प्रसार की बात हो, तो उस रूप में नालंदा का महत्व हुआ। और इसी तरह से नालंदा कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में उन्हीं के द्वारा नालंदा स्थापित हुई 5वीं शताब्दी में। और विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के दौरान हुई, पाल राजाओं के द्वारा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे जी, और उनके पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला
बौद्ध महाविहार की स्थापना की। तो विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना करने के पीछे भी, उसके पहले भी इसका बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इसकी महत्ता रही है। विक्रमशिला का जो स्थान अभी जो लोकेटेड हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के एक्सकर्वेशन के बाद, तो वो भागलपुर जिले का कहलगांव सब डिविजन है, वहां का एक गांव है अंतिचक। और ये जो लोकेशन है अंतिचक का, ये गंगा के किनारे है और वहां पर गंगा और कोसी नदियों का संगम, और उसके तट पर ही पटेश्वर की गुफाएं, पटेश्वर एक छोटी सी पहाड़ी है उसकी गुफाएं हैं। और बहुत पुरातन काल से, विक्रमशिला की स्थापना के पहले से ही, वो ऋषियों मुनियों और तपस्वियों का के ध्यान का वो केंद्र रहा है। और सबसे जो जो मुख्य बात है, अगर आवागमन की बात की जाए, तो ये उत्तर से उत्तर पूरब की ओर जोड़ने का जो है, ये आसाम से लेकर ताम्रलिप्ति बंदरगाह जहां से विदेशी व्यापार हुआ करते थे, तो उसके बीच का ये मार्ग था। तो ये आवागमन के रूप में, यह संगमित्रा जो श्रीलंका गई बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, सम्राट अशोक की पुत्री, तो उनके जाने का भी मार्ग यही था। तो फिर ये व्यापारिक, एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था। और वहां का दृश्य इतना मनोरम था कि जो राजा धर्मपाल थे, उनको ये स्थान बहुत ही उनको पसंद आया। वो उनके ही पालवंशीय राजा के क्षेत्र में ये पड़ता था और उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना की जाए। तो इस तरह से चाहे नालंदा हो या विक्रमशिला हो, दोनों स्थानों का जो इतिहास है और इसका जो महत्व है, चाहे सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, तो वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और उसकी लोकप्रियता बढ़ी, नालंदा और विक्रमशिला महाविहार अथवा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के दो सबसे प्रमुख संस्थान बन गए। इन संस्थानों ने भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के फैलाव में कीमती योगदान किया था। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की से विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध चीनी यात्री और भिक्षु ह्वेनसांग ने भी नालंदा में अध्ययन किया था। बौद्ध महाविहारों की स्थापना के पूर्व बौद्ध धर्म के इतिहास पर एक नजर डालना जरूरी है। जैसा कि ये सर्वविदित है कि सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म ने अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया और ये पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसका प्रसार हुआ। सबसे बड़ी जो बात थी कि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक के समय एक ऐसा राजकीय संरक्षण मिला जो ये पूरे अपने बहुत बड़े विस्तार में इस धर्म में एक रूपता थी और एक ही सिद्धांत के तहत जो है ये धर्म प्रसारित हुआ, पुष्पित हुआ, पल्वित हुआ। लेकिन अशोक के बाद जो बौद्ध धर्म को जो पैट्रोनेज था, जिस तरह से, उस तरह का पैट्रोनेज नहीं रहा और न कोई एक केंद्रीय ऐसा तंत्र था, या कहिए कि कोई ऐसा शासन तंत्र था, या कोई रेगुलेटरी इस तरह की कोई बात थी कि वो पूरे देश में या एक बड़े विस्तार में वो बौद्ध धर्म को पूर्व की भांति ही उसको आगे बढ़ाए। तो ये कुछ कुछ क्षेत्रों में सीमित हुआ और ये आचार्यों और विद्वानों और मठों पर केंद्रित था, जहाँ स्ट्रॉन्ग मठ थे, जहाँ के आचार्य ज्यादा विद्वान थे या जिनके ज्यादा शिष्य थे, वो क्षेत्र विकसित हुए वहां उस पॉकेट में। तो बौद्ध धर्म की अच्छी उन्नति रही, लेकिन उसी
वेटेज में कई क्षेत्र जो है वो उसके पीछे पिछड़ भी गए थे। जैसे आप देखेंगे कि फाहियान और वेनसांग ने अपने यात्रा विवरणों में जो लिखा है, जो पांचवी छठी सातवीं शताब्दी के दौरान की जो बात करते हैं, तो उन्होंने चर्चा की है बहुत जगह कि बहुत सारे जो बौद्ध मठ थे वो विहीन हो गए थे या जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए थे। तो इस तरह से वो एक तरह का ह्रास का एक समय था, लेकिन पांचवी शताब्दी के बाद से एक बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा टर्निंग आया। ये पांचवी शताब्दी के बाद जो जो डेवलपमेंट आया उसमें शिक्षा के साथ साथ ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व उसके साथ उसमें इंक्लूडेड हुआ। जो बौद्ध धर्म के जो ये केंद्र थे वो सिर्फ बौद्ध धर्म और भिक्षुओं के लिए नहीं थे, वो धर्म जो है वो नॉलेज में शिफ्ट हो गया और जो भी नॉलेज सीकर्स हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसका वो केंद्र बौद्ध केंद्र जो थे वो उस तरह से विकसित होने लगे। और जो हम जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो बात करते हैं, तो ये विश्वविद्यालय का जो स्वरूप आया वो पांचवी शताब्दी के बाद है। और इस स्वरूप में जो बौद्ध धर्म विकसित हुआ और ऐसे जो सेंटर्स बने, उसकी खासियत ये रही कि बौद्ध धर्म के साथ इन्होंने शिक्षा के और भी जो अंग है उसका भी पठन पाठन उस केंद्र में होने लगे और उसके भी आचार्य विद्वान आने लगे, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। वो इतर थे, उनकी भी एंट्री थी जो कि बौद्ध भिक्षु नहीं थे। और इस क्रम में जो सबसे बड़ा पहला जो विश्वविद्यालय हुआ वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा शायद विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पहली बार संयोजित रूप से शिक्षा देने की कोशिश की गई थी। यह सिलसिला लगातार लगभग 700 वर्षों तक जारी रहा। इस दौरान इस भव्य परिसर में हजारों विद्वान, शिक्षक और भिक्षु आए। कहा जाता है कि नालंदा में एक समय 8 बड़े सभागार और 300 से ज्यादा कमरे होते थे। नालंदा को गुप्त और वर्धन राजवंश के महान राजा हर्ष से लेकर पाल राजवंश तक विभिन्न शासकों का संरक्षण मिला। इनके संरक्षण में नालंदा खूब फला फूला, लेकिन अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी ने जब 13वीं शताब्दी के मोड़ पर उत्तर भारत पर हमला किया तो उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। आज जो कुछ बचा है वो खंडहर है जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, नालंदा अपने उत्कर्ष काल में बौद्ध शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ आए बिना मैंने बौद्ध धर्म की शिक्षा अधूरी मानी जाती थी। अब वेनसांग जो यहाँ के छात्र भी रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि अपनी ज्ञान की पिपासा पूरी करने के लिए चीन से और भी अन्य देशों से बड़ी संख्या में यहाँ बौद्ध भिक्षु आते थे और शंका समाधान के लिए भी आते थे, जो नालंदा से आके जो भी शिक्षा प्राप्त करते थे। और जब वे अपने क्षेत्रों में लौटते थे तो उनकी पूछ और उनका वैल्यू जो है वो एक उच्च कोटि का हो जाता था। तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय से लेकर वो एक बिहार बना और उसके बाद वो काफी बढ़ता गया और यहाँ पर 6 महाविहार थे, माने 6 विहार थे, माने पढ़ाई लिखाई के 6 केंद्र थे यहाँ, और 8 बड़े बड़े हॉल थे जिसमें कि 300 कक्ष थे, रूम्स थे उसमें, और विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी यहाँ निवास करते थे और 1510 शिक्षक, माने शिक्षकों आचार्यों की संख्या यहाँ 1510 थी, माने 1,500 के आसपास थी, और तकरीबन 8,500
छात्र यहाँ उस समय थे जब ये अपने उत्कर्ष काल में था। और यहाँ पर जो विद्वान थे वो इतने पारंगत थे कि वे एक विद्वान जो है वो 50 ग्रंथों की टीचिंग करने में उनको महारत हासिल थी, और कुछ विद्वान ऐसे थे जो वो अकेले 20 ग्रंथों की शिक्षा दे सकते। तो कितना उनका गहरा और विस्तृत यहाँ के आचार्यों का ज्ञान रहा होगा, और उनके द्वारा जो लोग शिक्षित होते होंगे शिक्षु उनका उनकी जानकारी और कितनी ज्यादा सुदृढ़ होती होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और यहाँ का जो पुस्तकालय था इसके चरम काल, तो उसके तीन बड़े बड़े भवन थे जो रत्नोदधि, रत्नासागर और रत्न रंजक कहलाते थे। इन भवनों के नाम थे जहां काफी बड़ी संख्या में पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी, और प्राच्य विद्या के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो प्राच्य विद्या थी, जो उस समय की विद्या थी, उसमें ये ईस्टर्न जोन में पूर्व के देशों में जो है इसकी मान्यता जो है ऑक्सफोर्ड की तरह थी। इसको इसका पूर्वी जोन का जो है ऑक्सफोर्ड माना जाता था। यहाँ जो पढ़ाए जाने वाले जो विषय थे, तो एक तो मूल रूप से है कि एक बौद्ध शिक्षण केंद्र था, तो बौद्ध धर्म की तो पढ़ाई यहाँ होती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो ज्ञान के जो अन्य जो शाखाएं हैं, ज्ञान की जो शाखाएं हैं, जैसे शब्द विद्या है, तर्क शास्त्र है, हेतु विद्या है, व्याकरण है, और न्याय शास्त्र है, संस्कृत है, नक्षत्र विद्या है, तो इस तरह से ज्ञान के जो विभिन्न अंग थे, और यहाँ जो शिक्षक आते थे उनको यदि किसी विशेष विषय में अगर एक्सपर्टीज हासिल करना था तो या ज्ञान या धर्म की शाखा में वो ज्यादा गहरे अध्ययन में जाना चाहते थे तो वैसे भी आचार्य थे और वैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। और ऐसे कहा जाए तो जो आजकल की भाषा में कहते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज माने ज्ञान का जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में था। और यहाँ जो शिक्षक थे, आचार्य थे, वो भी काफी विख्यात थे, जिनकी ख्याति आज भी है, और अपने समय में तो काफी ये प्रसिद्ध थे, और इनके सानिध्य में आने के लिए और इनसे ज्ञान अर्जन करने के लिए ही इतनी दूर दूर से आते थे लोग यहाँ। तो यहाँ के विद्वानों में शीलभद्र थे, धर्मपाल थे, शांत रक्षित थे, पद्म संभव थे, कमलशील थे, चंद्र गोविंद थे, इसी तरह स्थिर मति बुद्ध कृति, इस तरह के विद्वान थे। और एक बड़ी बात थी यह कि शिक्षा की जो यहाँ व्यवस्था थी वो इस तरह से था कि प्रवेश के लिए यहाँ परीक्षा देना पड़ता था, और उसमें सफल होने के बाद ही, उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही जो विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता। अच्छा, शिक्षक और विद्यार्थी का जो रेशियो था वो 1:5 का था। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था की देखरेख के लिए भी वो आचार्यों का एक सिंडिकेट यहाँ पर था, और यहाँ की जो शिक्षा थी वो पूरी निःशुल्क थी, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता था। जो भी यहाँ की प्रवेश की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उनको यहाँ प्रवेश मिलता था, और उनके रहने का, भोजन का, उनके चिकित्सा का, ये सारी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क थी। और इस विश्वविद्यालय का जो खर्च जो वहन होता था, जो उसके पेट्रोनस किंग थे, वे कई गांवों को दान में दिए हुए थे नालंदा को, और उससे जो आय होती थी उसके कृषि से या अन्य साधनों से, उससे इसका पूरा खर्च वहन होता था। नालंदा बौद्ध महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई, और ये करीब 700 वर्षों तक, ये 12वीं शताब्दी में ये अपने अवसान पर आया। तो
ये जो एक 700 वर्षों तक ये बौद्ध महाविहार अपनी एक गति से निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करता रहा, उसके पीछे एक कारण तो ये था कि गौतम बुद्ध की जो महिमा है और उनके द्वारा जो स्थापित बौद्ध धर्म है उसकी पृष्ठभूमि में, उसके सानिध्य में और उस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इतने सुदृढ़ राजवंशों का और इतने बड़े बड़े विद्वानों का, और जिस तरह से चीन कहिए या तिब्बत से भी, उस समय तिब्बत से भी आते थे और भी जापान से भी लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, कंबोडिया से भी लोग आते थे, तो इस तरह से विभिन्न देशों के छात्रों, विभिन्न देशों के जो नॉलेज सीकर्स हैं, जो भिक्षु हैं, जो बॉन्स हैं, इन सारे लोगों का इतना फ्लो था, राजाओं की इतनी उदारता रही शिक्षा के क्षेत्र में और इसके गौरव को बढ़ाने में, ये एक लंबे अवधि तक ये विश्वविद्यालय जो है एक गति के साथ अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा और फिर तुर्क आक्रमण के साथ जो है 12वीं शताब्दी के करीब में जो है ये अपने अवसान को प्राप्त किया। ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वहां की खुदाई से निकला है और वो काफी आकर्षक है और इतने बड़े क्षेत्र में, चाहे उसका मुख्य स्तूप हो, जो मोटिव स्तूप हैं, ये जो कक्ष थे, जो गलियारे थे, इस तरह के जो अवशेष है वहां, या जो मूर्तियां निकली हैं, जो आर्टिफैक्ट्स जो वहां प्राप्त हुए हैं, तो एक तो वहां की खुदाई बहुत बड़े पैमाने पर हुई और बहुत ही माकूल समय पर हुई। माकूल समय में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें मैं विक्रमशिला का भी नाम कह सकता हूँ, कि उसकी खुदाई इतनी देर से हुई कि ये जो शहरीकरण हैबिटेशन जो बढ़ता गया और इस तरह से लोगों का की बसावट हो गई कि आज की तिथि में बहुत सारे कारणों से जो क्षेत्र आप उसका एस्टिमेट कर रहे हैं, जो ग्रंथों में वर्णन है, जिस तरह से आप उस एक्सपेंशन में आप बहुत बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं जिसकी खुदाई आज के डेट में आप नहीं कर सकते। आज यही कारण है कि नालंदा जो बौद्ध महाविहार है वो आज यूनेस्को के हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक संरक्षित जो है मॉन्यूमेंट है। यहाँ तक कि जो वेनसंग यहाँ आए बौद्ध यात्री के रूप में, उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, उनसे भी संबंधित इतने अवशेष वहां मिले या इतनी सामग्रियां हैं कि वेनसंग के नाम का एक अलग से वहां एक म्यूजियम। इसके अलावा जो नालंदा की खुदाई से जो निकली उसका म्यूजियम है, बहुत सारे वहां रिसर्च सेंटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो नालंदा की जो लेगेसी है, जो हमें इतनी बड़ी धरोहर जो मिली है, उसको इतने अच्छे ढंग से सरकार ने उसको सहेजा है कि आज एक उसी के तर्ज पर, उसी भव्यता के साथ जो है आज नालंदा महाविहार, जो नालंदा के जो अवशेष मिले हैं जहां पर नालंदा महाविहार था, उससे ही थोड़ी दूर पर वो यूनिवर्सिटी बना है नालंदा महाविहार। वो इतना भव्य है, उसका आर्किटेक्ट भी इतना खूबसूरत है और एक लगता है कि कोई एक बहुत ही बड़े बौद्ध शिक्षण केंद्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसमें इंटर करने के साथ ही जो लगता है। तो जिस भव्यता या जिस महत्ता के साथ इस विश्वविद्यालय का आविर्भाव हुआ और ऐसा संयोग रहा, इस मामले में नालंदा बहुत ही समझिए कि भाग्यशाली है कि उसकी पूरी लेगेसी को भी जिंदा रखने का, बरकरार रखने
कि बहुत बड़ी जो है मुहिम चली है। नालंदा आज दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन दूसरी ओर विक्रमशिला इस मामले में पीछे रह गया है। पारिजात जी का मानना है कि विक्रमशिला भी महत्व पाने का पूरा हकदार है और इस महान प्राचीन विश्वविद्यालय को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। नालंदा बौद्ध महाविहार और विक्रमशिला बौद्ध महाविहार दोनों के स्थापना काल में अंतर है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में या शिक्षण के प्रसार में दोनों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन नालंदा की तुलना में विक्रमशिला के साथ एक 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 दुखद पक्ष ये रहा कि विक्रमशिला का जो विध्वंस हुआ तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा, हमलावरों के द्वारा, ये पूरी तरह से जमीन दोज हो गया, ये जमीन के अंदर चला गया। और ये समझिए कि 12वीं शताब्दी में ये जमीन दोज हुआ और करीब 800 वर्षों तक ये जमीन के अंदर ही रहा और एक ऐसी स्थिति बन गई कि लोगों को पता ही नहीं था कि विक्रमशिला कहाँ लोकेटेड थे। तो इस पर काफी लोग, विद्वानों अपना अपना मत देते थे। किन्हीं का मत था कि ये बंगाल में था, जो सोनपुरा बौद्ध विहार है जो अब बांग्लादेश में पड़ जाता है, उस समय अविभाजित भारत के अंदर वो था। कुछ लोग बिहार शरीफ के बारे में बताते हैं, कुछ भागलपुर जिला के सुल्तानगंज या पीरपैती के बारे में बताते हैं। 80s में ASI ने यहाँ की खुदाई बहुत ही बड़े पैमाने पर करवाई। वो खुदाई करीब 10 साल तक चली और वो ASI के डायरेक्टर थे डॉक्टर VS वर्मा, उन्होंने खुदाई की और उन्होंने जो वो स्ट्रक्चर जो खुदाई में जो उनके नेतृत्व में निकला, तो 80s में ये पूरी दुनिया ये मानने को तैयार हुई कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार के भागलपुर जिला के अंतिचक गांव में था। तो ये 800 वर्षों तक अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता रहा और चलिए फिर भी धीरे धीरे वो जो निकला है, तो जहां कुछ नहीं था वहां इतना बड़ा स्ट्रक्चर निकला है, लेकिन अभी भी बहुत सारा क्षेत्र है जो कि ASI की रिपोर्ट में जो एक्सकेवेशन रिपोर्ट आया है उसमें उसकी चर्चा है। विक्रमशिला का जो विध्वंस हुआ, तोड़ फोड़ जो हुई, तो उसके बहुत सारे सामग्रियों को, उसके बगल में एक टीला है, जंगलिया टीला उसको कहते हैं, वहीं पर सारे लोगों ने उसको इकट्ठा करके और उसको ढक के वो वहां पर उन्होंने अपना एक मान कि सैनिक जो केंद्र होता है वो उसको बना दिया। तो हम लोग भी, विक्रमशिला के आसपास के लोग भी डिमांड करते हैं कि आप उसकी खुदाई कीजिएगा। उसकी थोड़ी सी खुदाई हुई थी उसके फुट हिल्स पर, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सामग्रियां मिली थी, लेकिन अभी वो खुदाई नहीं के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से नालंदा को संवार कर, ये जो उसके धरोहर को हम संरक्षित करके एक इतना बड़े गौरव के भागीदार बन रहे हैं, मतलब बिहार ही नहीं पूरा भारत जो है, तो उसी तरह का गौरव, उसके बराबर का गौरव विक्रमशिला की भी अगर हम तत्परता के साथ उसको भी संवारने का काम करें, उसके जो जो भी आर्टिफैक्ट हैं, जो मूर्तियां निकली हैं, जो और सामग्रियां हैं, ये जो ओपन एयर में वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके कंजर्वेशन को प्रॉपरली करें, तो आज भी लोग आते हैं, तिब्बत के लोग बहुत कष्ट झेल कर यहाँ आते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है, सड़क ठीक नहीं है, एयर कनेक्टिविटी भागलपुर की नहीं है, ऐसी ट्रेन रूट पर नहीं है कि अच्छी गाड़ियां जो है जो दूर से आने वाले लोग कंफर्टेबली आ सके। लेकिन फिर भी चूंकि बौद्ध धर्म जो तिब्बत में स्थापना हुई वो विक्रमशिला के आचार्य दीपांकर 13 साल वहां रहे, वो तिब्बत के राजा के आमंत्रण पर वो गए थे वहां एक अपने दल के साथ, 13 साल तक उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का परिमार्जन किया, वहीं उनका डेथ हो गया तिब्बत में ही, और उनके प्रीचिंग पर ही आज जो स्टेट रिलीजन तिब्बत का है उसका आधार विक्रमशिला के आचार्य दीपांकर के
संदेशों प्रवचनों और उपदेशों पर है। तो अभी भी कंटेम्परेरी वर्ल्ड ईस्ट वर्ल्ड में विक्रमशिला की बहुत रेलिवेंसी है, और मैंने खुद देखा है कई बार विक्रमशिला में अवशेष मिला है तिब्बत, मैंने तिब्बतन हॉस्टल जो छात्रावास तिब्बत विद्यार्थियों के लिए थे, वहां जाने के बाद जो वहां के मॉन्क्स आते हैं वो घंटों प्रार्थना उसके सामने करते हैं कि ये ऐसा ये इस पूरे बिहार का एक ऐसा जगह है जो हमारे देश के विद्वान यहाँ आए शिक्षा ग्रहण करने आए, जो हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं, आचार्य दीपांकर की पूजा बुद्ध के अवतार के रूप में तिब्बत में होती है आज की तिथि में, तो वो यहाँ आकर मैंने अपने इष्ट देव का स्थान मानते हैं इसको। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये एक तो है कि जो उसके अनुयायी है उनके लिए हम सुविधा देते हैं, दूसरी बात है कि उसी तरह से नालंदा की तरह या और भी जो जगह है उसके लिए हम जो है एक नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म का एक रास्ता बढ़ाते हैं, इससे आर्थिक पक्ष भी है, टूरिज्म एक इंडस्ट्री के रूप में भी डेवलपमेंट की बात है, और इस क्षेत्र की बिहार की और भारत की गौरव की भी बात है। आज भारत में कुछ बेहतरीन शिक्षा संस्थान है, लेकिन खास बात यह है कि कैसे सदियों पहले नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा के बेहतरीन संस्थानों के रूप में पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। ये आज भी इतिहास, ज्ञान और कहानियों के खजाने हैं।